नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश पिछले कुछ दिनों से बारिश का दंश झेल रहा है। आसमान से बरस रही आफत के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। बिना सोए बिना थके सीएम शिवराज लोगों की परेशानी दूर करने, उनको राहत पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझने वाले जननायक शिवराज इस बार भी लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। मतलब साफ है कि बुरे वक्त में लोगों के लिए शिव ही सहारा हैं। मध्य प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़े, मगर सरकार, सेना और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद मॉनिटरिंग की। ऐसे में इतनी भारी आपदा के बावजूद मध्य प्रदेश में जनहानि नहीं हुई और करीब 11,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अब राहत और बचाव कार्य के बाद प्रशासन के सामने राहत शिविरों में लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने की चुनौती है। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने किस कदर कहर बरपाया है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और खासतौर पर नर्मदा और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। इसके बाद नर्मदा से सटे गांवों में राहत और बचाव काम इतना आसान नहीं था, इसलिए मोर्चा संभाला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव काम के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हाउस में कंट्रोल रूम बनाया गया। मुख्यमंत्री ने खुद बाढ़ के चलते राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की। लगातार दो दिनों तक रात में भी वो इस बात को लेकर डटे रहे कि लोगों तक राहत कैसे पहुंचे। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री से बातचीत कर सेना की मदद मांगी, साथ ही आपदा प्रबंधन की बैठक भी ली। सीएम खुद अधिकारियों की हौसला अफजाई करते नजर आए। आज सवेरे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारा एयरलिफ्ट का ऑपरेशन अब सोमलवाड़ा में प्रारंभ हो रहा है। आर्मी का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच गया है सीहोर जिले के, और जल्दी रायसेन जिले के भोंती गांव से मैं भी एयरलिफ्ट करने का अभियान एयरफोर्स शुरू करेगी। हमारा प्रशासन रात भर वहाँ है। कमिश्नर रात को ही वहाँ पहुँच गए थे गाँव में, लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए। प्रशासन पूरी तरह से तैनात रात भर रहा है और उसके कारण हमने कम से कम जान का नुकसान नहीं होने दिया है। अब हमारी आर्मी के कॉलम्स और एनडीआरएफ की टीम होशंगाबाद में तैनात है। बाड़ी और बरेली में भी हम आर्मी के कॉलम तैनात कर रहे हैं और साहेगंज और नस्तलागंज में भी आर्मी तैनात रहेगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ, प्रशासन की टीम के साथ। रात भर काम चलता रहा और लगभग 8,000 लोग हमने सुरक्षित निकाल कर राहत शिविरों में पहुंचाए हैं। मेरी प्रशासन के साथ साथ समाज सेवियों से, संगठनों से अलग अलग अपील है कि संकट किस घड़ी में है वो हमारे बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों का पूरा साथ दें, सहयोग करें। कल कटनी में या सीहोर में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कच्चे मकानों में भारी बारिश का बोझ कच्चे मकान सह नहीं पाते, उसलिए मैंने निर्देश दिए कि कच्चे मकानों में निवासरत भाई और बहनों को भी निकाल कर राहत शिविरों में ले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी भले ना घुसे लेकिन अति वृष्टि के कारण वो मकान गिरने की संभावना रहती है। तो कच्चे मकान भी खाली करवाएंगे जहां जरूरत होगी और उनको राहत शिविरों में पहुंचाने का इंतजाम करेंगे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की बैठक की, एक बार फिर राहत और बचाव काम की मॉनिटरिंग की। मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि इतनी बड़ी आपदा के चलते किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। मॉनसून का सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुका है, इसके चलते पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। साथ ही सीएम ने बाढ़ का पानी उतरने के बाद खराब हुई फसलों के नुकसान का आकलन करने और किसानों तक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले दो दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला, 170 राहत शिविर प्रारंभ किए हैं, जिनमें लगभग 9,300 लोग अभी रह रहे हैं, 40 गांवों से लगभग 1,200 लोगों को अभी और निकाला जाना है, और उसमें भी हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। जो कंपनियां मांगी थी, दो कंपनियां सीहोर जिले में, दो कंपनियां रायसेन जिले में, ये पहुंच रही हैं। होशंगाबाद में काम शुरू कर दिया है सेना ने, एनडीआरएफ के भी 4 दल हमारे सक्रिय हैं, 4 अतिरिक्त दलों की हमने मांग और की है, 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एयर लिफ्टिंग का काम किया जा रहा है, 2 और हमने मांगे हैं तो वो भी बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस दौरान लोगों को निकालकर उनकी जान बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। पहला लक्ष्य था हमारा लोगों की जान बचे, उसने फंसे लोगों में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ये मेरे लिए संतोष की बात है। अलग अलग जगह कहीं कोई पुलिया से निकल गया, बह गया, इस तरह की घटना जरूर हुई। एक पंचायत सचिव रायसेन जिले में बहे हैं, कच्चे मकान गिरने के कारण उस जगह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वो भी बहुत कम मात्रा में है, कटनी जिले में एक जगह और। लेकिन हम लोगों की जान बचाने में डूबने नहीं दिया, सफल रहे। जो सिस्टम है पूरा बारिश का, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, और संभावना है 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, ये जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। पिछले साल गांधी सागर बांध का पानी काफ़ी देर से छोड़ा गया था, इसके कारण भारी तबाही हुई थी। अभी गांधी सागर बांध 2 मीटर खाली है, लेकिन हमने फिर भी पानी का डिस्चार्ज भारी बारिश को देखते हुए प्रारंभ करा दिया है, ताकि अचानक भारी बारिश से पानी इतना ना भर जाए कि फिर डूबने के कारण तबाही मचे। पश्चिम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से सतर्क किया है, इसलिए हम पानी उतरने का इंतजार करेंगे, उसके बाद क्षति का आकलन करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से हम इनके पुनर्वास की फिर से व्यवस्था करें। शनिवार को हवाई दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने रविवार को भी सीहोर, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन और देवास के जिलों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे के दौरान कई इलाकों का जायजा लिया। और सर्वे के तुरंत बाद ही सारे विभागों की बैठक की। बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि राहत शिविरों में जिन लोगों को पहुंचाया गया है, उनके रहने, खाने और पीने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, इसमें किसी तरह की कोताही न बरती जाए।
सरकार लोगों के लिए है और लोगों को राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। इसलिए हमें अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोपाल से सभी आवश्यक संसाधन और राहत चौपाल तक पहुंचाना है, और इसलिए आप सब युद्ध स्तर पर इस काम में जुट जाएं। सारे विभाग, संबंधित अधिकारी, दो दृष्टिकोण होते हैं ऐसी आपदा में। एक ये कि जितना हो गया, बाकी तो लोग निपट लेंगे अपने आप। लेकिन दूसरा ये होता है, कई बार ये होता है कि ज़्यादा नुकसान का आकलन ही मत करो, बच के प्रशासन निकल जाए, क्या करना है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। हर स्तर पर बेहतर फिर से पुनर्वास की उनकी व्यवस्था करनी है। एक चुनौती हमारे सामने है, और ये धर्म है हमारा कि हम पीड़ित जनता की बेहतर सेवा करके उनको फिर से बसाएं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों में हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 21 जिलों में सामान्य से 20.04% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सीहोर में सामान्य से 51% से ज्यादा, रायसेन में 38% से ज्यादा और होशंगाबाद में 14% से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इनमें से ज्यादातर जिलों से होकर नर्मदा बहती है। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर प्रशासन और सरकार मुस्तैद है और जो लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं वो सरकार के प्रयासों की सराहना करने में पीछे नहीं है। पिछले 2 दिनों में करीब 11,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। 170 राहत शिविर बनाए गए हैं। 400 गांवों से करीब 267 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। कोरोना के साथ साथ बाढ़ का एक बड़ा संकट नजर आ रहा था, जिस पर सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए प्रदेश को इस संकट से उबार लिया, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन इस बीच लोगों को अगर कोई सहारा नजर आ रहा है तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ही हैं। और उसकी वजह यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिन भर 24 घंटे इन हालात पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को लगातार 1-to-1 संपर्क कर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि एक एक तक मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य शासन तो तमाम लोगों की मदद में लगा ही हुआ है, लेकिन जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस बात का अंदाजा हुआ कि हालात बिगड़ रहे हैं, सेना बुला ली गई, वायुसेना की मदद ली गई, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, जिला प्रशासन हर जगह काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद सीएम हाउस के भीतर एक कंट्रोल रूम बना लिया है। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है, लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के जरिए हर तहसील, हर गाँव तक संपर्क किया जा रहा है और हर उस अंतिम शख्स तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो इस वक्त खराब हालात के चलते कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। 11,000 से ज्यादा लोगों को मुश्किल घड़ियों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। शिविरों में लोगों को पहुंचा दिया गया है, खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लोगों की पहली और आखिरी उम्मीद बनकर 24 घंटे मोर्चे पर डटे हुए हैं। और सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मैदान में उतर आए हैं। कार्तिकेय नसरुल्लागंज पहुंचे और बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। कार्तिकेय चौहान ने नाव के जरिए आधा दर्जन गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने आम लोगों को दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को खाने पीने के पैकेट भी बांटे। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते नर्मदा और कोलांस नदी ने कई गाँवों में जमकर तबाही मचाई है। ऐसे में न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि उनका परिवार भी इस वक्त एक एक इंसान तक जो परेशानी में घिरा है मदद पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। नसरुल्लागंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्तिकेय सिंह इसमें नजर आ रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे जहां हालात पर नजर रखे हुए हैं,
एक एक व्यक्ति से, एक एक अधिकारी से लगातार 1-to-1 संपर्क कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार हवाई दौरा कर हर उस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर हालात बेकाबू हैं। वहीं उनका परिवार भी इस वक्त लोगों की मदद में जुटा हुआ है। शिवराज तो मैदान में डटे ही हैं। उनके प्रयासों के बाद सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, रायसेन, हर जगह देवदूतों ने लोगों की जिंदगी बचाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की सरजमी पर काले मेघों ने आफत की बारिश की। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। पानी का सैलाब जैसे प्रदेश को अपने आगोश में समेटने के लिए बेताब था। नर्मदा, तवा, बेतवा, बारना समेत तमाम नदियां रौद्र रूप दिखा रही थी। नाले भी अपनी सीमाएं लांघकर सड़कों और कस्बों का रुख कर रहे थे। लोग परेशान थे, सरकार भी चिंतित थी। हर तरफ से बाढ़ और बर्बादी की खबरें आना शुरू हुई। सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला और पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें शुरू की। जमीन के साथ साथ आसमान से राहत पहुंचाने का काम शुरू हो गया। सेना देवदूत बनकर मैदान में उतरी और बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाना शुरू कर दिया। हमारा एयरलिफ्ट का ऑपरेशन अब सोमलवाड़ा में प्रारंभ हो रहा है। आर्मी का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया है सीहोर जिले के, और जल्दी रायसेन जिले के भोंती गांव से मैं भी एयरलिफ्ट करने का अभियान एयरफोर्स शुरू करेगी। हमारा प्रशासन रात भर वहां है। कमिश्नर रात को ही वहां पहुंच गए थे गांव में, लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए। प्रशासन पूरी तरह से तैनात रात भर रहा है और उसके कारण हमने कम से कम जान का नुकसान नहीं होने दिया है। अब हमारी आर्मी के कॉलम्स और एनडीआरएफ की टीम होशंगाबाद में तैनात है। बाड़ी और बरेली में भी हम आर्मी के कॉलम तैनात कर रहे हैं, और साहेगंज और नस्तलागंज में भी आर्मी तैनात रहेगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ, प्रशासन की टीम के साथ। भारी बारिश ने छिंदवाड़ा में जमकर तबाही मचाई। यहां एक महिला बाढ़ में फंस गई, जिसे सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसके अलावा जहां भी लोगों के फंसे होने की खबरें मिली, सेना ने सभी की हिफाजत की। बालाघाट के खरलांजी में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कुमली गांव में ये 3 लोग अपने खेत में काम कर रहे थे, अचानक पास में बहने वाले नाले का जलस्तर बढ़ गया और लोग वहीं फंस गए। एक ने पेड़ पर चढ़कर और 2 लोगों ने ढाबे की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। 3ों में से किसी के पास मोबाइल नहीं था, लिहाजा जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मगर शाम होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो सका। प्रशासन और सरकार ने मदद की कोशिश की। इसके बाद नागपुर से आए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 3ों को सुरक्षित निकाल लिया। रायसेन जिले के बाड़ी और बरेली में नर्मदा और बारना ने जमकर तबाही मचाई। कई लोग बाढ़ में फंसे, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और हेलीकॉप्टर के जरिए भौती गांव में फंसे करीब 85 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। बचाए गए ग्रामीणों से एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। बुजुर्ग महिला ने कहा कि सरकार ने संकट की घड़ी में न केवल उनकी सुध ली बल्कि जान बचाने का काम भी किया। शिवराज भैया, हम बहुत परेशान थे, गरीब जनता बहुत ही में 4 दिन के भूखे पड़े। आपने अच्छे शिवराज भैया हेलीकॉप्टर से बुलवा लाए, भोजन की व्यवस्था करवा रहा है, रहने की करवा रहा है। भैया जी हमारी सुनियो, कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही हूँ? हवाई जहाज में आए हैं। अच्छा, कितने दिन से फंसी थी आप? 4-5 दिन हो गए भैया। अच्छा, आप सुरक्षित आ गई? हाँ, अब सुरक्षित आ गए। जमीन पर बरसी आफत के बाद सेना देवदूत बनकर आसमान से उतरी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल की खबर ले रहे थे, हर रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी नजर थी। बाढ़ से मची तबाही पर भी सीएम ने नजर बनाकर रखी, साथ ही चिंता एक एक जान की थी जिसे बचाने में सरकार सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सीएम शिवराज के साथ ही उनके मंत्री भी मैदान संभाले हुए हैं। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने वारा सिवनी में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रदीप जायसवाल बोट में सवार होकर खैरी और सावरी पहुंचे, जहां बाढ़ में करीब 150 लोग फंसे हुए थे। SDRF, होमगार्ड और प्रशासन की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर ठहराया। इस दौरान प्रदीप जायसवाल मौजूद रहे और लोगों की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को देते रहे।
उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया। इसके कारण बहुत सारी व्यवस्थाएँ बिगड़ी है, लेकिन कल से मैं घोटी आरम्भा फिर से शिवनगाट कटारा लावनी सभी तरह से घूमते आया। मैं खैरी भी गया था, हम लोग कुटिया भी जा रहे हैं, और उसके जो टोले खासकर डीमर टोले वगैरह सब लगा के बहुत बुरी स्थिति में। इसके बावजूद प्रशासन ने हर तरह से हेलीकॉप्टर भी सवेरे आया था, तीन व्यक्तियों को उनको बचाया गया, और इसके साथ ही सभी जगह नाव को भी लगाया गया, तो सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जनहानि नहीं हुई, बहुत संतोषजनक बात है। और जैसे ही कल से पानी उतरने के बाद जहाँ जैसे मकान गिरने की समस्या है कि लोग मकान गिर रहे हैं, उनको भी हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको राहत राशि मकान की मिल जाए। और उसके बावजूद जहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था के बारे में कहीं कमी आती है, तो हमने कल से वाराणसी से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हम पूरी सब्जी के पैकेट बना के जहाँ भी डिमांड आएगी हम उसको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश शिव ही सहारा में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।